ये क्या है मामला? भारत एक तरफ पाकिस्तान के मुल्क में आकर खेलने के वाले से कह रहा है जी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, और जब अपनी बारी आती है तो वो कह रहा है नहीं जी हमारा वर्ल्ड कप जो है वो किसी तीसरे मुल्क में नहीं होगा और हमारा कोई मैच पाकिस्तान को जो है वो बाहर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। देखो मैं हमेशा कहता हूँ ICC का मतलब इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, और वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं, पिछले काफ़ी अर्से हम देख रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे क्रिकेट पे, और उसको सपोर्ट भी करता है इंग्लैंड चाहिए तो इंडिया की तो हर धर्मी है, और वो तो यही करते हैं और हमेशा से करते आए, मगर हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। अगर वो हमारे साथ नहीं आते, उन्हें पाकिस्तान में कोई इशू है तो हम भी उधर ना जाएं। अगर हम एशिया कप अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं तो हम भी ना जाएंगे, ठीक है, हम भी वैसे खेलते। चीज़ें सेपरेट है, क्यों हम इंडिया के बगैर एशिया कप आप क्यों नहीं करा सकते? आप कराए, अपना सब टीमों को बुलाए, आप उसके चैंपियन बने और बताए कि जी 2023 का ACC जो एशियन जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है। दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के बड़े बड़े जर्नलिस्ट अनपढ़ों जैसी बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भैया अगर भारत नहीं जाता है तो हमें भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना है। कहाँ पे वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाना है, ये बात हो रही है एशिया कप को लेकर। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं मिलता हूं। टीम हिस्सा लेगी, लेकिन गुज़श्ता साल के आखिर में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया था। ये क्या है मामला? भारत एक तरफ पाकिस्तान के मुल्क में आकर खेलने के हवाले से कह रहा है जी पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा है, और जब अपनी बारी आती है तो वो कह रहा है नहीं जी हमारा वर्ल्ड कप जो है वो किसी तीसरे मुल्क में नहीं होगा और हमारा कोई मैच पाकिस्तान को जो है वो बाहर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि या तो भारत कोई वजह बताए, अगर वो कहते हैं कि सियासी अनस्टेबिलिटी है तो फिर दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ये सूरत हाल तो फिर पाकिस्तान के लिए भी होगी। क्या देखो मैं हमेशा कहता हूँ ICC का मतलब इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है, और वो हमेशा से ये करते आ रहे हैं, पिछले काफ़ी अर्से हम देख रहे हैं कि वो ही चाहते हैं कि उनका कंट्रोल रहे क्रिकेट पे, और उसको सपोर्ट भी करता है इंग्लैंड चाहिए तो इंडिया की तो हर धर्मी है, और वो तो यही करते हैं और हमेशा से करते आए, मगर हमें कहीं ना कहीं स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। हम कुछ भी बात कर लें, यहाँ पर कोई भी मशवरे दे दें, कुछ कर लें, इवेंचुअली इसका फैसला जो है हुकूमत पाकिस्तान करती है, फॉरेन पॉलिसीज हमारी क्या हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उसके ऊपर बात करती है, उसके बगैर तो शायद नजम सेठी साहब भी कुछ ना कर सकें। हालांकि वो बड़े स्ट्रांगली आए हैं कि जी नहीं हम भी वही करेंगे, अगर आपने हमारे साथ जो किया तो हमें करना है। इस दफ़ा मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करूँगा, फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं जो उसको डील करते हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वी हैव टू टेक अ स्टैंड। अगर वो हमारे साथ नहीं आते, उन्हें पाकिस्तान में कोई इशू है तो हम भी उधर ना जाएं। अगर हम एशिया कप अगर वो बाहर जाकर खेलते हैं तो हम भी ना जाएंगे, ठीक है, हम भी वैसे खेलें, अदरवाइज ये इसी तरह करते रहेंगे और ये इसी तरह चलता रहेगा सिलसिला, कहीं नहीं जाके रुकेगा। कि वो तीसरे मुल्क में इसलिए मैच रखने की मुखालफत कर रहे हैं कि अगर भारत ने एशिया कप के मैच किसी तीसरे मुल्क में खेले तो फिर ये चीज़ लागू वर्ल्ड कप पर भी होगी और पाकिस्तान के लिए भी ऑप्शन होगा कि वो भारत नहीं जाएगा और वो अपने मैच किसी तीसरे मुल्क में खेलेगा, और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ये नहीं चाहता। इंडिया का रीज़न ही यही है कि कहते तो है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, ये कहने को तो बड़ा अच्छा ये जुमला है, ये जो वर्ड है कि पॉलिटिकल क्रिकेट को साइड पे और पॉलिटिक्स को साइड पे होना चाहिए, मगर यहाँ पर ये नहीं है, ये गवर्नमेंट्स के साथ इंटरलिंक चीज़ें हैं। आपकी गवर्नमेंट इंडिया ने तो स्टांस लिया हुआ है, हमें भी इस चीज़ पे स्टांस लेना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है, मैं देखें दो चीज़ें सेपरेट है, क्यों हम इंडिया के बगैर एशिया कप आप क्यों नहीं करा सकते? आप कराए, अपना सब टीमों को बुलाए, आप उसके चैंपियन बने और बताए कि जी 2023 का ACC जो एशियन जो चैंपियन है वो पाकिस्तान है, बेशक इंडिया नहीं है, वो उसमें हमारा कोई मतलब कसूर नहीं, हमने उनको इन्वाइट किया वो नहीं आए। तो जहाँ की ICC की बात है, मैं कहता हूँ वो अभी थोड़ा दूर है, उसमें अगर आप उनसे निगोशिएशन कर सकते हैं कि अगर आप उधर जाते हैं तो किसी रिटर्न कोई पेपर या कुछ तरह की चीज़ों के, जब पाकिस्तान जब चैंपियन ट्रॉफी अगले साल होस्ट करेगा तो इंडिया को वहां पर आना पड़ेगा, नहीं तो कंपनसेशन की बात अगर कोई हो सके तो। क्या ये इतना आसान होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि जनाब वो कड़वा घूट पिए और कहे कि जी थैंक यू वेरी मच, नहीं होगा एशिया कप अगर आप हमारे पास नहीं आते? और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कि असर रसूख भारतीय क्रिकेट बोर्ड का ICC में तो है ही, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो इस वक्त कर्ता धरता है वो भारत से ही ताल्लुक रखने वाले जय शाह। बिल्कुल यही, जय शाह जो है वो भारत के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं अमित शाह उनके बेटे हैं, और अमित शाह नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है, और जो नरेंद्र मोदी की और बीजेपी सरकार की जो है एंटी पाकिस्तानी पॉलिसी और एंटी मुस्लिम पॉलिसी है उसी बयानी पर आज उसको अपने मुल्क में नरेंद्र मोदी को पॉपुलैरिटी मिल रही है। लेकिन बिल्कुल मैं भी सिकंदर भक्त साहब और यासर की इस बात से एग्री करता हूं कि भाई बिलाखिर हमें जो है उस स्टांस पर आखिर तक कायम रहना होगा। हमारे यहाँ मसला यह है कि शुरू में तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन आखिर में फिर हम पलटा खा लेते हैं। देखें एशिया कप अगर पाकिस्तान में नहीं होता या पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, इंडिया की जो अपनी वैल्यू है उसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की टॉप की टीम है, लेकिन पाकिस्तान भी टॉप की टीम है। अगर मेला सजेगा तो पाकिस्तान के आने से भी सजेगा, इंडिया के होने से फर्क भी पड़ेगा।
इंडिया तो एक फैक्टर है लेकिन पाकिस्तान भी एक फैक्टर है। हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर हैं, बाबर आजम है, शाहीन आफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, हमारे प्लेयर्स भी वर्ल्ड क्लास हैं। तो अब पाकिस्तान को ये बातें जो पाकिस्तान ने अभी तक की हैं बहुत अच्छी पॉलिसी है। मेरे ख्याल में इस पॉलिसी को अगर पाकिस्तान कंटिन्यू करेगा, एशिया कप पे प्रेशर बिल्ड करेगा तो आगे आप देखेंगे। अब 6 महीने रह गए, आज आईसीसी ने लोगो जारी किया है 2023 के वर्ल्ड कप का, लेकिन अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। सिर्फ एक बात सुनने में आ रही है कि गुजरात में टूर्नामेंट का फाइनल होगा अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में अगर फाइनल होगा तो सिर्फ पाकिस्तान टीम को सिक्योरिटी नहीं चाहिए ना, पाकिस्तानी मीडिया को भी सिक्योरिटी चाहिए, पाकिस्तानी तमाशाइयों को भी सिक्योरिटी चाहिए। मुझे याद है हम 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया गए, हर शहर में यही है जब हम जाते थे पहले हमें पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करनी होती थी कि हम आ गए और हमें होटल में चेक इन होना है, तो आप इजाजत देंगे तो होटल वाले हमें चेक इन करेंगे। और जब हमें शहर छोड़ना होता था एक दिन पहले, फिर हम पुलिस स्टेशन जाते थे, उनको बताते थे कि भाई कल हम आपके शहर से जा रहे हैं, तो लिहाजा हम आपको पहले से इन्फॉर्म करने आए। तो ये बहुत सारे मसाले हैं। एक और कल में अगर हम इसी तरह खड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा, लेकिन अगर हमने खुद ही बैकफुट पे जाने की कोशिश की तो जाहिर है फिर हमारा हरीफ तो हम पर डोमिनेट कर जाएगा। एक सवाल है, अगर सपोज करें हम एक वॉकआउट कर जाते हैं, हम अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप से कि जी इंडिया नहीं आ रहा, हम भी नहीं जाएंगे, तो उसके उसका क्या रिजल्ट होगा, उसके उसके बदले में हमें क्या नुकसान उठाने पड़ेंगे, आप कुछ बता सकते हैं उस पे? इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो एशियन क्रिकेट काउंसिल को रेवेन्यू मिलेगा, इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे तो आईसीसी के खजाने में पैसा आएगा, सिर्फ पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट बोर्ड को नहीं बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी पैसा मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कहने की हद तक तो ये जोश और जज्बे की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जो जिस तरीके से वो हमारे साथ रवैया इख्तियार किया उन लोगों ने, पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, मगर रियलिस्टिकली मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को लौट करेगा। मगर इसमें आईसीसी का लॉ ये है कि अगर कोई मुल्क, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत पीसीबी को रिटर्न में कहती है कि भाई आप इंडिया ना जाएं क्योंकि हमारे लड़कों को, हमारे तमाशाइयों को, हमारे जर्नलिस्टों को, हमारे कमेंटेटर्स को वहां पर खतरात हो सकते हैं, तो आईसीसी पाकिस्तान को कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान को जो उसका टूर्नामेंट का शेयर है वो मिलेगा। लेकिन अब मसला यह है कि ये लॉ तो अपनी जगह मौजूद है, ये सेम लॉ जो एशियन क्रिकेट काउंसिल, जरा हल्की बॉडी है, छोटी बॉडी है, लेकिन इंडिया वहां भी इसीलिए डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है कि इंडियन। दोस्तों ये वीडियो यहां पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के द्वारा कि वो किसी भी हालत में झुकने वाले नहीं हैं, और भारत अगर पाकिस्तान नहीं आता है एशिया कप, जो अपकमिंग एशिया कप होने वाला है, तो वो भी किसी भी हालत में भारत विजिट नहीं करेंगे 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलने के लिए। गाइज़ मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, या तो फिर रियलिटी जानते हुए भी एक अक्कड़ दिखा रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं भारत को। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत जो कुछ करना चाहेगा वो करवा लेगा, VCCI बहुत पावरफुल है, जैसा कि सिकंदर बख्त ने बोला कि VCCI इज़ इक्वल टू ICC, जो कि बिल्कुल सत्य है। भारत ने पाकिस्तान के सामने क्या डिमांड रखी है, उन्होंने बोला है कि आप भारत के जो मैचेस हैं वो UAE में कराएं, अगर भारत फाइनल पहुंचता है तो भारत का फाइनल UAE में होगा, एशिया कप आप बाकी अपना पाकिस्तान में कराते रहो, ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, कर सकती हैं टीम ट्रेवल, UAE कराची से लेके UAE का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये डिमांड है। अब पाकिस्तान ने इसके रिप्लाई में क्या बोला कि हम भी जो 50-50 ओवर के वर्ल्ड कप हैं हमारे भी, आप श्रीलंका बांग्लादेश में कराओ, बाकी जो है आप अपने मैचेस वहां करा लो। पाकिस्तान मतलब भारत से ही म्याऊ कर रहा है, मतलब भारत की बिल्ली भारत से ही म्याऊ। तो एक बात मैं बताना चाहता हूँ, भारत अगर एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगा ना, एशिया कप से पैसे भी भारत 1 रुपये नहीं लेता है, TV ब्रॉडकास्टिंग राइट हटेंगे, व्यूअरशिप हटेगी, इवन शायद इंडिया में टेलीकास्ट ही ना हो एशिया कप, तो बैंड बच जाएगी एशिया कप की व्यूअरशिप की, वैसे भी आपको पता ये रियलिटी है। और फिर भारत अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने नहीं आता तो उससे भी घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा लोगों को दिमाग खराब होगा कि इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में मैच देखने नहीं मिलने वाला है, बट ऑलरेडी इंडिया में IPL जैसे मैचेस में जो है वो पूरे फुल होते हैं, क्या पूरे फुल होते हैं ग्राउंड, पाकिस्तान के सुपर लीग में 25,000 कैपेसिटी का कराची का ग्राउंड नहीं फुल होता 25%, मतलब आप समझ लें 25,000 कैपेसिटी का 25% ग्राउंड फुल नहीं होता है, तो फिर आप समझ जाओ कितना फ़र्क पड़ेगा। सीरियसली बता रहा हूँ, पाकिस्तान एक टांग पे भारत आने वाला है विजिट करने के लिए, और एक टांग पे ये अपनी टीम भेजेंगे UAE भारत के साथ जो एशिया कप में खेलने के लिए, क्योंकि एशिया कप से जो पैसा आएगा वो इन्हीं लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, भारत तो लेता नहीं है, सब जो अपनी जैसे छोटी छोटी टीम है, क्या एसोसिएट नेशन है एशिया के, वो लेते हैं, और ये पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश इन्हीं की रोजी रोटी चलती है। तो आप समझ जाएँ मैं क्या कह रहा हूँ, प्लीज़ कॉमेंट में अपने सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की वीडियो आपको इस चैनल पर